प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। तो आज हम एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से आते हैं, किन इलाकों में दस्तक देते हैं और क्या आगे इसके प्रभाव से जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि अक्टूबर का महीना थोड़ा सा ठीक ठाक निकला था अक्टूबर में, क्योंकि मानसून देर में विदाई हुई थी मानसून की, और 24 अक्टूबर के बाद मानसून विदा होने के बाद एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था जिसने काफ़ी अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर दिया था। उसके बाद से कोई भी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5 दिसंबर तक नहीं आया। 5 दिसंबर को लगभग डेढ़ महीने बाद एक नया पश्चिम विक्षोभ आया जिसने पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल दिया, और उसके बाद से छुटपुट हल्के फुल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट उनका दिखाई नहीं दे रहा। अब एक के बाद एक लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। आज एक जो पश्चिमी विक्षोभ है जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के ऊपर है, और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके भी पीछे है। यानी ये जो बादलों के आप देख रहे हैं दिशा, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो आ रहे हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बादल बन रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था, मेडिटेरियन सी में जो है आगे काफ़ी दूर, वहाँ पर बादल बनते हैं यानी स्टॉर्म बनते हैं, और वो क्योंकि हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही होती हैं इस इलाके में, यानी कि सब ट्रॉपिक्स में और ट्रॉपिक्स में, तो क्या होता है कि उन हवाओं के साथ वो बादल का समूह यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है जिसको पश्चिमी गड़बड़ी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और जब वो हिमालय के पहाड़ों के आसपास पहुँचता है तो उसको अवरुद्ध होता है वो, और यहाँ पर स्नोफॉल देता है, उसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है जो पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा पर बनता है, उसके प्रभाव से जो सर्दियों में बारिश होती है वो इसीलिए होती है। तो ये सारा प्रक्रिया है जो एक के बाद एक आगे चलते रहते हैं, और अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार 3 आने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा सशक्त होंगे। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर है, लेकिन 24 और 26 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनके प्रभाव से बहुत अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर देखने को मिलेगा। हालांकि हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है पहाड़ों पर, लेकिन 25 और 26 तारीख से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और 27 और 28 तारीख को हम कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि और हैवी स्नोफॉल पूरे पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे जो पहाड़ हैं वो सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक जाएंगे, और अगर आपको स्नोफॉल का लुफ्त लेना है तो आप जा सकते हैं, और क्रिसमस के मौके पर भी स्नोफॉल दिखेगा आपको, लेकिन नए साल तक आपको बहुत अच्छा स्नोफॉल दिखाई देगा, खास करके 26 और 27 और 28 तारीख जो 3 दिन जो है उस दौरान जो बर्फबारी है बहुत अच्छी होगी। और इसके असर से क्या होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक आ रहे हैं तो हवाओं की दिशा बदली है। अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में बारिश होने वाली है जो 25 तारीख से शुरू हो सकती है। 26, 27, 28 और 29 ये 4 दिन हैं जो बारिश की गतिविधियां इधर से होती हुई आगे की तरफ आएंगी, यानी कि 29 तारीख तक पंजाब हरियाणा शुष्क हो जाएंगे, लेकिन जो पूर्वी जो राज्य हैं जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनका प्रभाव केवल पहाड़ों पर नहीं, ये सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया पर भी देखने को मिल जाएगा, और कई इलाकों में बारिश होगी। हालांकि ये बेमौसम बारिश कही जाती है, लेकिन क्या होगा कि जो पाला पड़ रहा था उससे राहत मिली रहेगी, और 29 तारीख तक तापमान सामान्य के आसपास या सामान्य से कुछ ऊपर बने रहेंगे, जिससे कि कोल्ड वेव की कंडीशन नहीं आएगी, पाला नहीं पड़ेगा, फसलों को नुकसान नहीं होगा इस दौरान। इसके बाद इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जो वेदर एक्टिविटी होगी, यानी नए साल में किस तरह के वेदर होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए जब ये सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएंगे तो जो मैदानी भागों में अभी तक बारिश नहीं हुई थी उससे नमी नहीं बढ़ी थी, जब तक नमी नहीं बढ़ती तब तक घना कोहरा नहीं छाता, अभी तक घना कोहरा नहीं छाया था, इसीलिए दिन में जो थोड़ा सा धूप निकल रही थी और वेदर कंफर्टेबल था, लेकिन जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएंगे तो घना कोहरा छाने लगेगा, और जब घना कोहरा छाएगा तो दिन के तापमान भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, 14-15 डिग्री तक रह सकते हैं, और उस समय यानी कि नए साल की शुरुआत घने कोहरे से हो सकती है, और दिन भी ठंडे हो सकते हैं, यानी कोल्ड डे कंडीशन और कोल्ड वेव कंडीशन एक बार फिर अपना रूप दिखा सकती है नए साल में। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।